जैसे आप ये माइक ले घूम रहे हैं तो देख के आपको क्या पूछ ले हमसे। तो एक बात हमेशा रखिएगा सर, ना कहा जाता है ना कि अगर इंटरव्यूअर चाहेगा कि आप सवाल का जवाब दें तो आपसे पूछेगा कि आपके मामा का नाम क्या है, और अगर इंटरव्यूअर नहीं चाहेगा कि आप सवाल का जवाब न दे तो पूछेगा मेरे मामा का नाम क्या है। चीज दो चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, एक चीज आपके नकारात्मक रह सकती है। क्या चीजें होंगी वो? एक चीज जैसे कि मान लीजिए जब बीएचयू से पढ़ा तो प्लेसमेंट 6 लाख क्यों था, तो आदमी वहाँ पे अपना कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि भाई मेरा एमबीए ज्वाइन किए, प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है वहाँ? प्लेसमेंट का भैया ठीक है, एवरेज है 5 लाख 6 लाख 7 लाख मिल जाता है। तो पाँच छः लाख सात लाख में क्या होगा भाई, मतलब कितनी सीटें हैं पूरी? देखिए 3 ब्रांच चलती हैं, फिनांस है, रिस्क इंश्योरेंस है और तीसरा फॉरेन ट्रेड है। तो फिनांस में 60 सीटें हैं और फॉरेन ट्रेड में 40, रिस्क इंश्योरेंस में 40। 140 ये फॉरेन ट्रेड क्या है? अरे पढ़े लिखे समाज को कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो गंवार है। मेरे को खुद नहीं आती ज़्यादा। अब ये वीडियो क्यों स्टार्ट किए हैं, अब क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये है कि आप लोगों का ये जो झाल मुड़ी है वो ख़त्म होने वाला था। मैं पुराना वीडियो करते समय देख रहा था। मैडम क्या भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेजस्वी सिंह। स्टूडेंट हैं बीएचयू के? जी। किस फैकल्टी में पढ़ते हैं? कॉमर्स फैकल्टी। कॉमर्स बीकॉम या एमकॉम? एमबीए। एमबीए फैकल्टी वाला एमबीए? अच्छा, ये फैकल्टी वाला एमबीए और वो जो वो आईएमएस वाला एमबीए, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है भाई साहब कि आप फैकल्टी वाला जो एमबीए वो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम लेता है और वो सीयूईटी नहीं, सीयूईटी नहीं, हम लोग के समय एनटीए था, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उसके थ्रू होता था एग्जाम, और ये क्या है कैट के थ्रू आईएमएस। अगर हमको एमबीए सीयूईटी मतलब एमबीए कॉमर्स फैकल्टी वाला निकालना होगा तो बताइए सिलेबस क्या होगा भैया? सिलेबस आप ये समझिए मैथमेटिक्स है, इंग्लिश रीजनिंग, और या तो हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए, लैंग्वेज में क्या कहते हैं लैंग्वेज का पेपर होगा। क्या पढ़ के जाएं तो हम चीज़ें पढ़ लिख के कुछ मिला जाए, कक्षा 10 तक का गणित, कक्षा 10 तक का रीजनिंग, अंग्रेजी, ये सब हो जाएगा। अच्छा, लाभ हानि गुणा भाग ये सब आना चाहिए। अच्छा, आपके ये मित्र भी एमबीए से हैं? हाँ, वो भी एमबीए से हैं। एमबीए से हैं आप? जी भैया। क्या नाम है? राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र सिंह कहाँ से हैं आप? बलिया। बलिया एमबीए ज्वाइन किए, प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है वहाँ? प्लेसमेंट का भैया ठीक है, एवरेज है 5 लाख 6 लाख 7 लाख मिल जाता है। तो पाँच छः लाख 7 लाख में क्या होगा भाई, कुछ हो पाएगा? 5 लाख रुपए में 500 होता है उसके आगे, भाई साहब कैसे कह दिया क्या होगा? एक साल का तो आदमी के अपेक्षाओं पे निर्भर करता है। कोई 5 लाख महीने के वहाँ खुश नहीं है, कोई 50,000 महीने के वहाँ खुश है। आदमी शुरुआत कहीं से करेगा ना, 40,000 से करेगा ना शुरुआत। दो साल किसी अच्छे बैंक में काम करेगा, किसी अच्छे फर्म में काम करेगा, स्विच मारेगा, सीधे सैलरी 40-60% हाइक मिलेगा उसको। और प्रोफेसर कैसा पढ़ाते हैं हमें? प्रोफेसर देखिए कहीं जो भी हो प्रोफेसर, मतलब आप क्या कहते हैं कि सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं या बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। ठीक है, जो है माहौल है, कमियां हैं, अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं, ऐसी बात नहीं है। रेगुलर क्लासेस होती हैं? हाँ, क्लासेस तो रेगुलर होती हैं। मतलब एक दिन में कितने क्लासेस एमबीए कराते हैं? 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस? हाँ। बोर और नहीं करते हैं आप लोगों को? मजा आता है, मौज है भैया, कट रहा है मौज। इस कोर्स में पढ़ के हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 100%। तो लोग बोलते हैं कि वो जो कैट वाला एमबीए है वही बेस्ट है, तो ये क्यों कंपेयर क्यों करना भाई, जो कैट निकाल के आया सीधी सी बात है उसको हमसे ज्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अब हमसे कोई कमेंट बॉक्स में लिख दे एमबीए मतलब आईआईएम, तो कंपेयर तो उन लोगों ने कर दिया ना पूरा। जैसे अब आप एक बार बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी में कितने हैं? 50 हैं, 50 सॉरी 950 हैं। अब कोई बंदा आईआईटी कानपुर निकाल के गया है तो वो डिजर्व करता है उसको अच्छी फैसिलिटी मिले, हमने निकाल पाई मेरी कमी है। तो जो कैट निकाल के आईमा सारा नो डाउट हमसे अच्छा पैकेज पाएगा, हमसे अच्छा उसको फैसिलिटी मिलेगी, हमसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। हम तो नहीं निकाल पाए थे ना, तो हम अब उसका अच्छा है मेरा नहीं, हम जबरदस्ती लड़े और डिजर्व देन डिमांड। हाँ, डिजर्व करे फिर डिमांड कर लीजिए। बढ़िया है हम लोगों का, जितना मतलब कितनी सीटें हैं पूरी? देखिए 3 ब्रांच चलती हैं, फिनांस है, रिस्क इंश्योरेंस है और तीसरा फॉरेन ट्रेड है। तो फिनांस में 60 सीटें हैं और फॉरेन ट्रेड में 40, रिस्क इंश्योरेंस में 40। 140 ये फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड में एक तरीके से आप मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज में, जैसे कि आप विदेश विदेश में जाके काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। कोई गया है कभी यहाँ से? हाँ, बहुत सारे लोग गए हैं, अभी तो एलुमनाई होने वाला, लोग आएंगे मिलेंगे। मतलब ये डेटा मतलब देखिए सर ना क्या है ना, एलुमनाई कब एग्जाम ला दिए लोगों को? 8 या 10 तारीख को है। 10 तारीख आइए। मतलब मामला क्या है ना भाई साहब, देखिए ना कि अगर आपके उस पर रिजल्ट को लिख गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, आप यहाँ से जब निकलेंगे तो नो डाउट हो सकता है कि आपको अच्छा पैकेज ना मिले, अच्छा प्लेसमेंट ना मिले, 5 लाख 6 लाख का मिले, लेकिन उसके बाद जब आप किसी कंपनी में स्विच मारेंगे तो एमबीए का आपसे पूछेगा नहीं, वो पूछेगा आपसे 2 साल के आपका वर्क का काम, कि आपने 2 साल में किया क्या एक्सपीरियंस। और 2 साल बाद जब आप किसी कंपनी में स्विच मारेंगे ना तो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस से पूछेगा, तो आप काम करेंगे तो आपको पता रहेगा। और दूसरा चीज़ ये देखेगा कि बंदा पढ़ा कहाँ से,
पेस्लिप भी देखेगा आपका। हाँ पेस्लिप भी देखेगा, लेकिन बाकी दो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, एक चीज़ आपके नकारात्मक रह सकती है। क्या चीज़ें होंगी वो? एक चीज़ जैसे कि मान लीजिए जब बीएचयू से पढ़ा तो प्लेसमेंट 6 लाख क्यों था, तो आदमी वहाँ पे अपना कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि भाई मेरा मामला ठीक नहीं चल रहा था, ये था वो था, रिसेशन आ गया था हम लोग के समय में, ये हो गया तो हो गया था, कहानी बताएगा और क्या। तो रिसेशन तो अभी आया मान लीजिए, इसके पहले भी कहानी बता सकता है ना, उसमें क्या है, एक मनगणन बनाएंगे। कॉर्पोरेट लाइफ मनगणन तो है, सब लोग कहते हैं सबका शादी में डाटा आता है, चाहे आपका जाता हो चाहे इनका जाता हो, दुनिया में कहते हैं आई लव कुकिंग, सबका कुकिंग फेवरेट होता है, खाना 5 दिन बाद घर में 6ठे दिन बनाना हो महाभारत है। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ धीरे धीरे गायब हो रही है, जैसे देख रहे हैं पूरा इलॉन मस्क ने डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक से प्राइवेट आ रहा है, गायब थोड़ी हो रहा है, अपने अपने लोगों को लोग निकाल रहा है, डीएलडब्ल्यू बीएलडब्ल्यू बन गया। किसको निकाल दिया? ट्विटर ने इलॉन मस्क ने बहुत लोगों को निकाल दिया ना, और भी बहुत। मेनली आप बात करना चाहते हैं पराग अग्रवाल के बारे में, ठीक है, कितना कंपनसेट किया है? 413 करोड़ रुपया कंपनसेट किया, ये तो किसी ने नहीं बताया, वो निकाल दिया, ये खबर बन गई कि एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया। वो 413 करोड़ रुपया भैया कमाने में, वो अगर एक 100 का नोट गिरेंगे तो शायद ये कमरा भर जाएगा, तो भी 413 करोड़ नहीं हो पाएगा, तो वो और ये अनअकैडमिक और बायजूस भी तो निकाल रही है, वो किसको पैसे दिए? सबको देती हैं, जैसे किसी से भी डील होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर में डील होता है कि आप 5 साल हमारे यहाँ काम करेंगे, अगर आप छोड़ते हैं तो इतना पेनाल्टी आप देंगे, मैं छोड़ निकालूंगा तो इतना पेनाल्टी मैं दूंगा, ऐसे थोड़ी को किसी निकाल देता है, होता है पूरा बॉन्ड होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरा हुआ कि मैं आई एम जस्ट क्या कहते हैं कि मान लीजिए मैं क्या कहते हैं कोई कंपनी में गया और क्या कहते हैं भैया ठीक है हमको 5 लाख का पैकेज मिला, हम 6 महीना किए, उसका तुरंत हमको दूसरी कंपनी मिल गया 10 लाख का, तो मतलब वो तो बेवकूफ़ी बेचारा हमको 5 लाख का देके। बॉन्ड होता है कि अगर आप 2 साल के पहले जितने का बॉन्ड बन जाए, 2 साल 3 साल में भी होता है, एसएसयूडी में होता है, 3 लाख रुपए देना पड़ेगा आप छोड़ेंगे तो। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र, बताए तो राघवेंद्र प्रताप। कभी कभी भूल जाते हैं, इतना भारी भरकम चीज़ें चल रही थी। राघवेंद्र इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो गया, और अगर उसके बाद हम बात करें जीडीपीआई भी एक बड़ा मुद्दा होता है कि लोग बोलते हैं कि जाकर के पूछिए भैया कि जीडीपीआई में पूछा क्या जाता है, क्या पूछा जाता है उसमें? देखिए आपकी नॉलेज टेस्ट कोई नहीं करता है, आप कितने अच्छे से जवाब दे पाते हैं, कितना प्रेजेंट आप वहाँ पे हैं, ये बात मैटर करती है। आपसे कुछ पूछा जाए और आप उसमें हकला गए, नर्वस हो गए, जैसे आप ही माइक ले घूम रहे हैं, कुछ देख के आप क्या पूछ लें हमसे। एक बात हमेशा रखिएगा सर, कहा जाता है ना कि अगर इंटरव्यूअर चाहेगा कि आप सवाल का जवाब दें तो आपसे पूछेगा कि आपके मामा का नाम क्या है, और अगर इंटरव्यूअर नहीं चाहेगा कि आप सवाल का जवाब न दें तो पूछेगा मेरे मामा का नाम क्या है। तो वहाँ बस प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करते हैं कि लड़का ठीक है, यहाँ आ रहा है, डिजर्व करता है कि नहीं, अगर आ गया है तो आगे सोसाइटी फेस कर पाएगा कि नहीं, मामला बस ये होता है। क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इंट्रेंस में अपना वो सेट कर लेते हैं जितना उनको लेवल चेक करना होता है। अब लोग ग्रेजुएशन यहीं से हुआ है? ग्रेजुएशन मेरा हुआ है, बीटेक है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। तो यहाँ बीएचयू में आप बीएचयू में पहला साल है कि दूसरा है? मेरा दूसरा साल, मेरा दूसरा, इनका चौथा। तो आप कुछ रेटिंग देंगे कि कैसा लगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से? भैया बचपन से रेटिंग देते आ रहे हैं, 5 में 5.5 बचपन से बढ़ गया, तो हमेशा बीएचयू से 0.1 भी कटौती नहीं कर सकते, जो चीज़ें सोची थी उससे ज़्यादा मिली, उससे ज़्यादा मिलती हैं। और देखिए हमेशा निराशाएं किसी न किसी क्षेत्र में आपको मिलेंगी कि आपने ये सोचा वो नहीं मिला, वो नहीं सोचा वो मिला, तो ये तो हर जगह है। क्या कहते हैं तो हमेशा मेरे साथ कई बच्चे थे एमएनआईटी इलाहाबाद से बीटेक किए, एमएनआईटी इलाहाबाद इज नॉट जो कप ऑफ टी नहीं है वो, तो वहाँ से पढ़े, वहाँ की मतलब जैसे एजुकेशन का पूछा भाई वहाँ वही सब है, सिस्टम सब वही है, बस ये है कि कैंपस है ये, मतलब यहाँ एक स्टीरियोटाइप सोच है लोगों की MBA की जो क्लासेस होती हैं वो इंग्लिश में चलती हैं सिर्फ। इंग्लिश कौन सा बहुत बड़ा मतलब तोप है क्या? इंग्लिश लोग परेशान है गाँव, इंग्लिश तोप है बेचारे, कोई परेशान नहीं है बेचारों को, केवल बस हवा बना दिया गया। डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, फॉरेन से भी बच्चे आते हैं तो उनके लिए वो मेंटेन करना पड़ता है, दोनों होता है, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल चला देते हैं क्लास। पहले तो ये एक भूमिका लोगों को मिटानी होगी हमारे पढ़े लिखे समाज को कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो गंवार है। मेरे को खुद नहीं आती ज्यादा इंग्लिश, तो ऐसा एकदम नहीं भैया, गंवार वो एक भाषा तय नहीं करेगी कि आप गंवार हैं कि नहीं है। लेकिन मैं जब ये माइक पकड़ करके किसी साउथ भाई लड़के के पास ऐसे बैठता हूँ, सर आई ओनली स्पीक इन इंग्लिश, अभी हम एक बांग्लादेश के लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे, ही यूज टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हाँ वो हमारे हिंदी को समझ रहा था और इंग्लिश में बातें कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि जानना चाहिए, ग्लोबल लैंग्वेज है जानना चाहिए, लेकिन आप उसके बिना पे किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं एक बार एक JNU के प्रोफेसर से मिला था, उसने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, अगर आपको अपने इंग्लिश बोलने में बहुत गर्व है कि आई एम वेरी मतलब बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूँ, बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, तो आप किसी अच्छे से होटल में रिसेप्शनिस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते।
मतलब अभी कोई कहेगा नहीं कैसे जो इंग्लिश एंकर होते हैं भाई, उसने मास कम्युनिकेशन भी साथ में किया है, सिर्फ इंग्लिश अच्छा नहीं बोलता है, होलिस्टिक अप्रोच रहा है उसका। ऐसा नहीं कि अगर किसी को सिर्फ ये ईगो है कि मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप किसी अच्छे से होटल में रिसेप्शनिस्ट बन जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आई गुड इवनिंग सर, मैं आई व्हाट कैन आई हेल्प यू, यही सब बोल सकते हैं, इसका कुछ होना है। और अगर ये इतिहास भूगोल और ये अपने देश का संविधान पता है तो आप भारत की सबसे बड़ी नौकरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में IAS बन सकते हैं। अच्छा, अगर हम BHU नहीं आए MBA करने के लिए, कहीं और जाएं तो बेस्ट कॉलेजेस क्या क्या हैं इंडिया में? जैसे रेंज में बात की जाए तो अगर आप बहुत पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो MBA है वो भी अच्छा है, मुनीरिबा। और भी कुछ इंडिया में? जैसे पैसा है आपके पास, सिम्बोसिस चले जाएंगे फिर ना। हाँ, पैसा है तो सिक्किम मणिपाल जाइए, VIT बल्लोर जाइए, क्या कहते हैं गलगुटिया यूनिवर्सिटी जाइए, MIT जाइए, पैसा है तो वहाँ जाइए, टिस जाइए, कहीं जाइए, कहीं जाइए, निर्मा जाइए, कहीं जाइए। टिस में कम पैसा लगता है? अच्छा, इसमें कितना लग जाता है? अरे 50,000 लगता है उसका, वो MA कराता है। और यहाँ पे हम पूरे 2 साल का कितना पे कर देते हैं लगभग? यहाँ फीस 1 लाख, 53,812 रुपया 1 साल का फीस, 1 साल का, इसको डबल कर देंगे तो ये 2 साल की फीस है, और कुछ एक्स्ट्रा निकली जाती है? 1,06,724 रुपया 24। चलिए, बढ़िया लगा, 5.5, जब ये 5 में से 5.5 रैंकिंग दे रहे हैं BHU को, तो और क्या ही तारीफ सुनना। नहीं सर, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो BHU खरी नहीं उतरती होगी, कहाँ खरी नहीं उतर रही है? हम खरे उतर जाते। कैसे? कैसे का मतलब, जैसे इंटरेक्शन तुए होता है, प्रोफेसर हमारे लिए कुछ करते तो हम भी कुछ करें, जब क्लास वो लेते हैं तो हमें भी टाइम से जाना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए, वो जो बता रहे हैं, जो प्रोग्राम कह रहे हैं उसमें करना चाहिए। बहुत बच्चे इनरोल नहीं करते हैं तो उनको इंड्यूस किया जाता है, चलो आओ आगे, तुम भी चलोगे तभी तो कुछ होगा। एक प्रश्न है दिमाग में राइज हुआ है, आप अपने कंट्री को कैसे सर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कंट्री के लिए? हर कोई सर्व कर रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पर GST दे रहे हैं, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, GST दे रहे हैं, ठीक, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जब हमारा टाइम आएगा तो हम ब्रेन ड्रेन नहीं करेंगे। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है पढ़े यहाँ पे, और टैक्स तो एक सिगरेट पीने वाला भी और एक शराब पीने वाला भी तो दे रहा है। सही बात, हम क्या कर रहे हैं ना, वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम दीवारों पे नाम नहीं लिखते हैं, हम थूकते नहीं हैं, हम अपने देश का राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, पहले तो ये करते हैं, ठीक है, टैक्स चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मतलब अभी बस में है ही नहीं तो करेंगे कहाँ से, अभी तो कमा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो लक्ष्य है कि जिस दिन कमाएंगे उस दिन टैक्स चोरी भी नहीं करेंगे, जितना कमाएंगे जितना सरकार का बनता है उतना सरकार को देंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ तो कमाएंगे भी यहाँ और सर्व भी यहीं करेंगे, आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएंगे, नहीं एकदम नहीं, एकदम नहीं जाएंगे, ब्रेन ड्रेन इशू कहते हैं, जहाँ पे आप कमाए, जहाँ पे आप पढ़े, वहाँ शिक्षा लिए, यहीं देने की बारी है, तब भी वही उसी चीज को आप वापस करें, यहीं रहेंगे, चले गए कमाने कहीं और, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं मणिकर्णिका फूके जाएंगे, मणिकर्णिका पता है ना, वहाँ भी चले जाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मणिकर्णिका भी पता है, हरिश्चंद्र भी पता है, और दोनों की सच्चाई भी पता है, और भी कुछ सच्चाई आपको MBA की जाननी हो तो तत्काल प्रभाव से कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना लिख दीजिए कि ये चीज़ छूट गई है, तो हम अगले कभी भी कोई मिला MBA का तो पूछने की कोशिश करेंगे। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज़ साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।